कैसे हो आप सभी लोग, और स्वागत है आप सभी लोगों का CDSB गेमिंग के अंदर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई आजकल यार होता ही है कि यार काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, मैं भी 20 25 15 30 कितने भी किल्स के गेम प्ले होते हैं वो लोग यार आपको दिखाते हैं। तो भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर एकदम यूनिक होने वाला है, एकदम अलग। तो भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर हाई किल्स का नहीं, हाईएस्ट नॉकआउट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई वीडियो यार ऐसी है, मतलब मैं तो यार इन सब चीजों से बोर हो गया था हाई किल से। फिलहाल भाई सामने एक बंदा दिखता है जिसको यार तुम्हारा भाई नॉक कर देता है, और भाई अब आता है इसका टीममेट। तो भाई इसके टीममेट को भी तुम्हारा भाई ने नॉक कर दिया। अब बताता हूँ वीडियो के बारे में। तो भाई यार मैं यार काफी सारी ये किल्स विल्स के वीडियो के चक्कर में बोर हो चुका था। तो भाई यार मैं चाहता था कि यार हाईएस्ट किल की नहीं, मतलब कोई एक अलग चीज ट्राई करते। तो भाई मैंने यार ये वाला कंटेंट चुना, मैंने चुना कि भाई यार अब हाईएस्ट नॉकआउट होने के ऊपर वीडियो बनाते, ताकि यार आप लोगों को भी कुछ यूनिक देखने को मिलेगा और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए मजा आएगा। फिलहाल भाई होता ये कि यार नोवो के अंदर चार बंदे होते थे, जिसमें से दो को तो यार तुम्हारे भाई ने मार दिया। अब भाई सामने जो दो थे, मैं यहाँ पे एक एंगल का वेट कर रहा था, यहाँ पे ये मेरे को एंगल मिलता है, और भाई जैसे ही एंगल मिला तो तुम्हारे भाई ने यार एक बंदे को नॉक कर दिया। अब मैंने सोचा कि यार पहले जैसे टीवी भी लेते, फिर भाई मैंने सोचा कि टीपी भी क्या लेना यार, अब एक बंदा बचा है और अपने पास बैरल है। तो भाई फिलहाल यार इस बैरल से तुम्हारे भाई ने इन दोनों बंदों की पेटी बना दी, क्रिएट बना दी। उसके बाद भाई होता ही है कि यार काफी देर तक इंतजार करता हूँ, लेकिन इनके यार टीममेट आते नहीं है, तो मैं इन दोनों को मारता हूँ और नोवो से निकल जाता हूँ। उसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर, लेकिन भाई ब्रिज तो कैंप, तो आप भाई देखो यार यहाँ से कैसे बच के निकलते हैं, और भाई वो मरने का टाइम भी आने वाला है, जल्दी से आएगा। यहाँ पे भाई तगड़ा वाला डैमेज पड़ा भाई, मतलब दो से तीन बंदों के बीच में, मतलब आई मीन दो बंदे होंगे शायद, लेकिन भाई जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई यहाँ पे बच जाता है। उसके बाद भाई इन घरों के अंदर आके हील वील करता हूँ। यहाँ पे मैं देखे जा रहा था कि कब यार वो बंदे आएंगे मेरे को रश करने के लिए। अब भाई यार वो बंदे आ जाते हैं, उन लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं होती, तो भाई वो लोग यार पैदल पैदल आ रहे थे इसलिए टाइम लग गया। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे आता हूँ और टीपी भी लेने लगता हूँ, लेकिन भाई इसके अंदर यार कुछ था नहीं, मैंने सोचा कि देख लेता कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। यहाँ पे भाई ये बंदा मेरे को दिखा, मैंने यहाँ पे इसको मारा नहीं, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे वो बच जाता तो उसको मेरी पोजिशन पता चल जाती। लेकिन भाई वो पोजीशन क्या पता चलेगी, मतलब बंदों को तो पहले ही पता चल गई यार ग्रेनेड पे ग्रेनेड कर रहे हैं। उसके बाद भाई वो मैंने सोचा कि भाई हम कुछ चुप रहे, हम भी यार एक मॉली करते, लेकिन मॉली से पहले तो यार एक बंदे ने रश कर दिया। जैसे तैसे करके भाई तुम्हारे भाई ने इस बंदे को नॉक किया, लेकिन भाई ज्यादा देर तो यार अपनी भी कहाँ चलनी थी, एक बंदे को नॉक किया भाई, उसके पास यार उजी थी, और आप लोगों को तो पता है यार उजी का फायर रेट कितना ज्यादा होता है दूसरे गन के कंपैरिजन के अंदर। तो भाई लेकिन अपने पास बैरल थी, तो यार वहाँ पे यार वो बंदा नॉक हो गया, लेकिन भाई उसके बाद यार मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम रह गई थी। अगर भाई वहाँ पे मैं यार पहले हील कर लेता, उसके बाद उस बंदे को मारने की कोशिश करता, तो शायद वहाँ पे मैं सर्वाइव कर जाता, लेकिन कोई बात नहीं भाई चलता रहता यार। यहाँ पे फिलहाल पोचिंग ही उतरे थे, और भाई इस मैच के अंदर भी यार काफ़ी बढ़िया तरीके से मर गए। फिलहाल भाई पोचिंग ही अंदर उतरती, मैंने फिलहाल दो बंदों को नॉक कर दिया, एक की क्रिएट भी बना दी। उसके बाद भाई आता हूँ इस वाले घर के अंदर, जहाँ पे भी एक बंदा दिखता है, तो भाई दो बंदों की क्रिएट तुम्हारे भाई ने बना चुकी थी। अब भाई मैं सोच रहा था कि यार तीसरा बंदे का किल क्यों नहीं आया, तो भाई मैं क्या करता हूँ फटाफट जाता हूँ तीसरे बंदे की साइड के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे फटाफट किल चाहिए थे। भाई ऐसा नहीं है कि यार मैं उतरने के बाद डायरेक्ट मर जाता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करके मरता हूँ, और ऐसे काफ़ी सारे बंदे जो यार डायरेक्ट नहीं मरते, कुछ ना कुछ भाई हमेशा करके मरते, जैसे भाई ये। इस टाइप के जो बंदे होते हैं ना, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, हेडफोन्स तो पहन के खेल ले ताकि कुछ पता चलेगा। उसके बाद भाई हमारा सामान्य आदमी बोट, तो भाई इस बोट की क्रिएट बना दी। भाई देखो उतरती कम से कम 50, मतलब ज्यादा से नहीं 40-50 सेकंड के लिए तुम्हारा भाई ने यहाँ पे 5 किल कर ली। यहाँ पे मैं यार कुछ रैंडम्स के साथ खेल रहा था, सामने मेरे को एक बंदा दिखता है जिसने अभी भी एक बोट को मारता, तो भाई यहाँ पे मैं लेटर लेट आ गया था, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि मेरी पोजिशन उस बंदे को पता चल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे यार जो ये खड्डे होते हैं उससे यार अपनी पोजीशन पता चल जाती है। तो भाई होता ही है कि यार यहाँ पे मेरे पास बाइजन के अंदर काफ़ी कम एमो बची थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले लूट वगैरह ले लेते। उसके बाद भाई होता ही है कि यार मैं यहाँ पे एमो लेता हूँ, उसके बाद मैं नॉक को फिनिश करने जा रहा था, मतलब जो पहले मैंने नॉक निकालता, लेकिन भाई तभी सामने बंदे दिखते, तो मैंने सोचा भाई भाड़ में गए नॉक, वो तो अपने आप फिनिश हो जाएगा, पहले यहाँ पे किल बटोरते, क्योंकि भाई पोचिंग के अंदर तबाही मची हुई थी।
यहाँ पे भाइयों ये बंदा मेरे हाथ पे चढ़ गया। उसके बाद भाइयों एक और दिखता है, मैंने सोचा भाइयों कि लगे हाथ इसको भी मार देते यार। तो भाइयों इस बंदे को भी यार तुम्हारा नॉक और फिनिश पूरा कर देता है। उसके बाद भाई होता है ये कि यार यहाँ पे अब मेरे पास बायसन जो काफ़ी कम है मोती, और दूसरी बात कि यार भाई शॉटगन से इतना कुछ होने ही वाला ऐसे भाइयों, मैंने तीन महीने तो स्टार्टिंग के अंदर शॉटगन से निपटाए थे लेकिन भाई वो यार नियत थे। उसके बाद भाई यहाँ पे यार मैं फटाफट टॉमी वॉमी लेता हूँ, अपनी गन वगैरह एकदम अच्छे से लोड करता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब चलते भाई जिस नॉक को मैंने फिनिश किया था उसको मारने के लिए। लेकिन भाई अब तुम सामने ऊपर देखो भाइयों, मतलब जब मैं गेम खेल रहा था ना तब मेरा ध्यान शायद कहीं और था, मेरे को ये बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखा। और भाइयों अभी भी देखो, मतलब अभी भी यार इधर क्यों टीपी ले रहा है भाई, अभी भी मतलब एक ही जगह पे टीपी ले रहा है, कम से कम साइड तो हट जाता भाई। उसने आंखों के सामने देखा था कि मैं यार घर में गया हूँ। तो भाइयों चलो उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो यार इसके टीममेट की आवाज़ सुनते, मतलब फुटस्टेप सुनने की कोशिश कर रहा था मैं लेकिन वो यार आ नहीं रहे थे, मतलब इसका कोई भी टीममेट पास में नहीं था। उसके बाद भाइयों यहाँ पे मेरे को ये दिखा, मतलब ये दिखता है यहाँ पे छुपा हुआ, उसके बाद मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो भाई होता ये कि यार मैं यहाँ पे देख जा रहा था कहीं और कोई बंदे तो नहीं है, क्योंकि भाई वो उतरते यार मैंने 8 किल कर लिए। तभी भाई वो सामने बंदे दिखते हैं और भाई वो किस्मत इतनी ज़्यादा बढ़िया थी ना कि मतलब एक लास्ट की एक गोली के अंदर ये बंदा यार मेरे हाथों से नॉक हो जाता है। तो भाई अब मैंने सोचा कि यार अब भाई एक बंदा नॉक है तो अब दूसरा क्या ही करेगा, तो चलते रश करते। लेकिन भाई गेम यहाँ से एकदम तगड़ा वाला लैग होता है, देखो यार तुम लोग। और भाइयों ऊपर से ये तीसरा और आ गया, अब तुम देखो भाइयों। मतलब भाइयों तुमने देखा कि भाइयों मतलब भाई गोली कहाँ चलाना चाहता हूँ, और भाइयों खिड़कियों के अंदर गोली चल रही है। जायरों को मतलब मैंने मोबाइल को पूरा घुमा लिया लेकिन भाइयों बंदा यार आने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब हिलने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाद भाइयों उस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया। और भाइयों उसके बाद यार मैं देखता हूँ मेरे ये जो रैंडम टीममेट थे वो तो यार वहाँ पे थे नहीं, तो मैच से एग्जिट हो गया। उसके सिवा तो यार मैं वहाँ पे क्या ही कर सकता था। तो भाई यार उम्मीद करता हूँ आपको गेम प्ले पसंद आएगा। भाई सामने स्क्रीन पे देखो, मतलब मरने का रिकॉर्ड के अंदर ये वाले सीन भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं, बार बार मर रही जा रहे। तो भाई यार आपको गेम प्ले कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर तो इतना ही था। और भाई सामने स्क्रीन के ऊपर देखो, मतलब भाई आपको मतलब गेम प्ले अंदर कुछ तो अलग लगा होगा भाई, क्योंकि यार काफ़ी सारे जो लोग होते यार वो 20-25 इनके किल्स के डालते। मैंने यार आज मैंने सोचा कि यार मैं भी पहले मैं ये डालने वाला था, मतलब कोई कंटेंट का गेम प्ले। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई चलो यार कोई नए यूनिक करते जिस जो यार लोगों को देखने के अंदर भी मज़ा आए। तो भाई यहाँ पे यार हमने ये चीज़ की। भाई गेम कैसी लगी यार वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़ कि भाई आगे भी मरने वाले गेम प्लेस डालूँ या फिर यार 20-25 किल वाले गेम प्लेस डालूँ, मतलब जितने भी किल हो सकते हैं अपन से 15-20-10 जितने भी किल होंगे अपन से वो वाले गेम प्ले लाएंगे आपके लिए मस्त AWM के तगड़े हेडशॉट। तो भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर तो इतना ही था, फिर भाई मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय। लेकिन एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लो प्लीज़ भाई प्लीज़। बाय बाय गाइस।